नाजरीन, शरद पार हम साया मुल्क भारत में भी इमरान खान छा गए। कप्तान के करीबी दोस्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन भी खुलकर इमरान खान के हक में सामने आ गए। भारत के सबसे बड़े शो कौन बनेगा करोड़पति में इमरान खान के बारे में ऐसा सवाल कर दिया कि सुनने वाले सब भारतीय हैरान। इमरान खान भारत में भी मकबूल तरीन लीडर बन गए। इमरान खान से अमिताभ बच्चन क्यों मुतासिर? अमिताभ ने लाइव शो में सब बता दिया। सवाल का जवाब देने पर कितने करोड़ भारतीय शख्स ने जीत लिए दुनिया हैरान। खूबसूरत वीडियो भारत से आ गई। ये सब तफसीलात आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मुनासिब समझे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत में भी इमरान खान को अपना लीडर मानने पर मजबूर। इमरान खान ने जिस बहादुरी और जुरत से जेल काटी, तारीख में लिखा जाएगा कि कोई खान आया था जिसने तमाम कुव्वतों को ललकार कर जेल काटी। वक्त ने बार बार साबित किया कि चाहे इख्तदार में आने से पहले हो या इख्तदार में आने के बाद, इमरान खान एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। इमरान खान का मुकाबला चोरों और लुटेरों से बनता ही नहीं। आप भी इमरान खान साहब की यादगार वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। मैंने 10 महीने अदालत को एक एक जवाब दिया कि किधर से मैंने पैसा कमाया, किधर से पैसा कमाया, कब बेचा फ्लैट, पाकिस्तान कैसा पैसा लेके आया, हलाल के पैसे से बाहर फ्लैट खरीद के सारा पैसा पाकिस्तान बैंकों के थ्रू लेके आया। और मेरा मुकाबला इस चोर से कर रहे हो जो चोरी करके यहां से पैसा बांध लेके गया। चोर के अलावा बुजदिल भी है। मेरा मुकाबला किसी उससे करे जो पाकिस्तान में लीडर है, जिसमें जो मेरे से लड़ना मुकाबला करने के लिए जिसमें सलाहियत है। इस चोर से ना करो। भारत के मकबूल तरीन शो कौन बनेगा करोड़पति में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन ने भी इमरान खान पर कातलाना हमले को हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। अमिताभ ने इमरान खान के बारे में सवाल करते हुए क्या कहा, पहले आप वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। नवंबर 2022 को पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री पर वजीराबाद में गोली चलाई गई थी? विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज शॉट एट इन वजीराबाद ऑन द 3rd of November 2022? ऑप्शन सुनिए, ए नवाज शरीफ, बी इमरान खान, सी यूसुफ रजा गिलानी, डी शौकत अजीज। यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज, इमरान खान, नवाज शरीफ। सर हाल ही में हुआ है तो थोड़ा सुना सा सर मैंने कि इमरान खान के ऊपर सर गोली चली है। ओके, बी लग रहा है सर। सर बी को लॉक करना चाहूंगा। बी को लॉक करना चाहूंगा सर। इमरान खान बी, ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया भाई साहब आपका। वेल प्लेड, 3,20,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब द्वारकाजीत जी। इमरान खान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं और वे अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सर जो एक क्वेश्चन का आंसर था सर, तो उसका मैं पूरा श्रेय मेरे ससुर जी को देना चाहूंगा सर आज, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले बात करते समय उन्होंने मुझे बताया था कि इमरान खान पे गोली चली है करके सर। तो वही मेरे माइंड में था, तो उन्होंने सर बताया था मुझे सर। चेक आ रहा है। हजरात, मेरे कप्तान ने दुनिया में हमेशा इज्जत और कामयाबी समेटी और इमरान खान के मुखालफिन ने हमेशा दुनिया में रुसवाई और जिल्लत खरीदी। ये है मेरा मुर्शिद जिसकी आज पूरी दुनिया फैन हो चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फेवरेट तरीन लीडर बन चुका है। ये मैंने ही कह रहा, ये दुनिया के हर न्यूज चैनल और हर अखबार की हेडलाइन ही साबित कर रही है। इमरान खान को माइनस करने वाले आज खुद माइनस होते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान और बॉलीवुड के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन के बारे में? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।